चले बढ़ेंगे आगे। एक और कॉर्पोरेट हमारे साथ जुड़ा हुआ है और वो कॉर्पोरेट उस सेगमेंट से है जो काफी चर्चा में है, आईटी पैक से, क्योंकि इससे जुड़ी हुई कई सारी खबरें भी आ रही हैं। तो एक बार बहुत जरूरी है कि हम बड़े मैनेजमेंट्स को लेकर आए, उनसे बातचीत करें। तो कॉर्पोरेट चैट में आज मास्टेक के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अशांक देसाई हमसे जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर देसाई ईटी नाउ स्वदेश पर। एक बड़ा कंसर्न जो इस वक्त आईटी सेक्टर के लिए लगातार है वो ये है कि जिस तरह से कंपनीज अपनी वेरिएबल पे में कहीं ना कहीं कटौती कर रही हैं, एम्प्लॉई ग्रेड्स चाहे फ्रेशर के हो, फ्रेशर लेवल के हो या टीम लीडर्स के हो, कुछ बड़ी कंपनीज है जो 70% तक का वेरिएबल पे कट कर रही हैं। इससे एक व्यू जो एनालिस्ट का निकल कर आ रहा है कि ये अट्रिशन रेट को और बढ़ाएगा। आप इस व्यू पर क्या अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, अट्रिशन रेट जो है उसका मतलब है कि कितने शॉर्ट सप्लाई है, जो टैलेंट है उसका शॉर्ट सप्लाई कितना है और डिमांड कितना है और टैलेंट का सप्लाई कितना है, वो जो शॉर्ट सप्लाई है उससे एट्रिशन बढ़ता है। तो अभी हुआ क्या है, गए बरस में 10-12 महीने में वो शॉर्टेज बहुत ही ज्यादा था, तो आईटी इंडस्ट्री ने बहुत सारे ट्रेनिंग इंजीनियर्स की बढ़ोतरी की गए बरस में या लास्ट 12 मंथ में। तो अभी ऐसा हुआ है कि आईटी इंडस्ट्री के पास बहुत सारा ट्रेनी पॉपुलेशन है जो ट्रेनिंग हो रहा है और वो ट्रेनिंग कंप्लीट भी करेगा। तो जब ऐसे लोग बिजनेस में आएंगे और प्रोजेक्ट पे रहेंगे तब सप्लाई डिमांड का प्रेशर कम हो जाएगा, और मुझे लगता है इसलिए एट्रिशन का जो रेट है वो टेपर होते जाएगा आने वाले क्वार्टर्स में। तो ऐसा जो एक्शन लिया आईटी इंडस्ट्री ने उसका रिजल्ट अभी आएगा। सही, एक चीज मेरे को आपसे पता करनी थी, ये प्रॉब्लम ऐसे देखा जाए तो एक्चुअली है कितनी बड़ी है, ये आपके सेक्टर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या फिर ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको कंसीडर कर लिया जाएगा, हो सकता है 1-2 क्वार्टर लग जाए लेकिन ये ज्यादा बड़ा रूप नहीं लेने वाली है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर? आप एट्रिशन की बात कर रहे हैं? जी जी, एट्रिशन की और मैं बात कर रहा हूँ। एट्रिशन तो है बड़ा अभी भी, ऐसी बात नहीं है कि कम हुआ है, मगर बढ़ नहीं रहा है, एक स्टेबिलाइजेशन जैसे आ रहा है, और ये कम करना जरूरी है आईटी इंडस्ट्री के लिए। ऐसी बात नहीं है कि हम यही एट्रिशन पे काम कर सकते हैं, मगर आशा ऐसी है कि जो चल रहा है इंडस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट है, ट्रेनीज के रिक्रूटमेंट हो गए हैं, वो सब आप देखेंगे तो उसमें टेपर आने की बहुत ही संभावना है। मॉर्निंग, ऑफकोर्स जिस तरह से आप कह रहे हैं एट्रिशन रेट में कुछ हद तक यहाँ पर कमी फिलहाल आप नजर आती हुई दिखी है, क्योंकि जॉब स्विचिंग डिमांड में भी सुस्ती नजर आ रही है, लेकिन पिछले दिनों आईटी सेक्टर ने देखा काफी कुछ है। पर्टिकुलरली अगर आईटी सेक्टर के आउटलुक को समझने की कोशिश करें या फिर आपके कारोबार के मार्जिन की अगर बात करें, मार्जिन में भी डेंट पड़ता दिखा है, क्या आगे सिचुएशन संभलती हुई नजर आएगी? देखिए, जो लास्ट 12 मंथ था जिसमें जिसे मैंने बात की कि डिमांड सप्लाई का बहुत ही बड़ा गैप था, तो उसमें ऐसा हुआ है कि बहुत सारे सैलरी लेवल्स हाई हो गए हैं, बहुत सारे एट्रिशन के लिए सैलरी लेवल्स इंडस्ट्री में हाई हो गए हैं, उसका इम्पैक्ट अब हमें दिख रहा है थोड़ा सा। तो ये जो इम्पैक्ट है इस बरस में थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, मगर ऐसी बात नहीं है कि सैलरी इंक्रीज नहीं होती थी, हर बरस सैलरी इंक्रीज होती है, हर बरस आईटी इंडस्ट्री उसको स्ट्राइड में लेती है और आगे बढ़ सकती है। अभी आप देखिए आईटी इंडस्ट्री 30-40 ईयर्स से काम कर रही है और सैलरी इंक्रीज जो है आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रहता है और रहा है, फिर भी आईटी इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी का जो इंप्रूवमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट हुआ, रेट बढ़ गए हैं कस्टमर और डिप्रिसिएशन हुआ है रुपी का, ये सब मिलाते जब है तब उसका इंपैक्ट बहुत ही कम हो जाता है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं सैलरी कॉस्ट इंक्रीज की, वो भी मुझे लगती है कि जैसे हम आगे जाएंगे वो टेपर होती जाएगी। एक ना बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, जब आईटी के बारे में क्वेश्चन उठता है कि क्या
ग्लोबल मार्केट से यानी कि यूएस से यूरोप से उनको बिजनेस वैसा ही मिल रहा है जैसे पहले मिला करता था? क्योंकि अब कुछ चिंताएं यूएस के अंदर आ रही हैं कि शायद हो सकता है वहां पे रिसेशन आए। मैं ये नहीं कह रहा कि आ गया है आ जाएगा, बट ऐसी कुछ चर्चाएं जरूर मार्केट के अंदर हो रही हैं। ये बहुत ही जेनरिक आम चर्चा होती है, जरा मेरे को इस बारे में क्लेरिफिकेशन आप दे सकते हैं कि जैसे पहले बिजनेस चल रहा था जिस मार्जिन पे जिस पेस पे उसी पेस पे उसी मार्जिन पे अभी भी बिजनेस चल रहा है सर? देखिए, रिसेशन तो ऐसा तो ऑफिशियली रिसेशन अनाउंस नहीं हुआ है यूएस में, तो थोड़ा ग्रोथ रेट कम हुआ है, ये बात तो सच है। मगर अब जो सीआईओ जो है, ज्यादातर आईटी कंपनियां ऐसी बात कर रही हैं कि उन्हें ऐसा कोई निगेटिव इंपैक्ट देख नहीं रहा है। तो ये जो इंपैक्ट है वो जो आगे जाके देखना पड़ेगा कॉशियसली कैसे हो रहा है। तो अब डिमांड का सिचुएशन इतना निगेटिव नहीं दिख रहा है जैसा आप बात सुनते हैं आजकल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, आपने अच्छे से क्लियर किया ये एट्रिशन वाले पॉइंट को, मार्जिन वाले पॉइंट को, साथ ही ग्लोबल जो थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं उसको भी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। संतोष मीना इस बीच हमारे साथ बने हुए, एक बार